सो गाइज एक बार फिर से KTM की यहाँ पर सारी बाइक्स की ऑन रोड प्राइस बढ़ चुकी है। आज इस वीडियो में मैं सारी बाइक्स की यहाँ पर ऑन रोड प्राइस बताने वाला हूँ, लेटेस्ट जो इस समय है। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं Throttle 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। शुरुआत करते हैं यहाँ पर मेरी वन ऑफ द फेवरेट बाइक्स के साथ, जो कि है Duke 390। कुछ इस प्रकार की बाइक आती है, बहुत ही कमाल के लुक्स आते हैं, दो कलर्स में आती है वैसे, बट मेरा पर्सनल फेवरेट यहाँ पर वाइट कलर है। इसका ऑन रोड प्राइस जो अब हो चुका है यहाँ पर जयपुर की मैं बात करूँ तो वो है 358,400 रुपये, मतलब 358,400 रुपीज़ इसका ऑन रोड प्राइस हो चुका है अभी जयपुर की यहाँ पर बात करूँ। एंड मेरे हिसाब से यार जो प्राइसेज हैं, पता नहीं क्यों बढ़ा रही है कंपनी इतनी ज़्यादा, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से यार बाइक्स जो हैं अब थोड़ी सी ओवर प्राइस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर बाइक्स में प्राइस लगभग 3,000 से 4,000 रुपये बढ़ाए हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट, अगर सबकी बात करूँ। एंड ड्यूक 390 की जो अब प्राइस है यहाँ पर जयपुर की ऑन रोड बात करूँ तो 358,400 रुपीज़ है। एंड कुछ इस प्रकार का आपको लुक देखने को मिलता है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बाइक है, बहुत ही बढ़िया बाइक है, वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं, बट हाँ थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्ट बढ़ा हुआ है। अब ड्यूक 250 की तरफ चलते हैं, जो कि एक नेकेड सुपर स्ट्रीट बाइक है, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक बेटर बाइक है, काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी प्रैक्टिकल बाइक है। ड्यूक 250 का जो अब ऑन रोड प्राइस हो चुका है यहाँ पर जयपुर की बात करूँ तो 280,700 रुपये हो चुका है। डेफिनेटली प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं, 280,700 रुपीज़ यहाँ पर आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलने वाला है ड्यूक 250 की यहाँ पर बात करूँ। इसके अंदर भी आपको दो कलर्स देखने को मिलने वाले हैं। मेरे हिसाब से अब इतनी प्राइस बढ़ने के बाद इसके अंदर हमें एक प्रॉपर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे देना चाहिए। यहाँ पर अगर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाए तो जो प्राइस है उस हिसाब से मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट बाइक रहेगी। एक बार दोबारा प्राइस बता देता हूँ ड्यूक 250 की, 280,700 रुपीज़ यहाँ पर ऑन रोड प्राइस है। यहाँ पर चलते हैं अब RC 200 की तरफ। ये है फेयर्ड बाइक, मेरे हिसाब से अच्छी बाइक है, लुक डेफिनेटली कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया है, बट पर्सनली अगर बताऊं तो एज अ मैकेनिकल बाइक ये पहले वाली बाइक से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लुक्स को अगर मैं साइड में रख दूं तो हर एक चीज़ आपको बेटर देखने को मिलती है इस वाली वेरियंट के अंदर, पुराने वाली वेरियंट से अगर मैं कंपेयर करूं। ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है RC 200 का जयपुर में इस समय 244,800 रुपये, मतलब 244,800 रुपीज़ यहाँ पर आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलने वाला है RC 200 का। एंड इसके अंदर भी आपको दो कलर्स देखने को मिलते हैं, ये सिल्वर वाला भी काफ़ी डिसेंट लगता है, बट मुझे पर्सनली इसका जो सेकेंड कलर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर चलते हैं अब RC 125 के पास, जो कि सबसे सस्ती फेयर्ड बाइक है KTM की यहाँ पर इंडियन मार्केट में अगर हम बात करें। ऑन रोड प्राइस जो RC 125 का अब हो चुका है वो है लगभग 213,000 रुपये, 213,000 रुपीज़ अब इस बाइक का ऑन रोड प्राइस हो चुका है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है एज अ 125cc बाइक। डेफिनेटली आप और भी यहाँ पर बाइक्स चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि R15 हो गया, MT15 हो गया, एंड डेफिनेटली जो क्वालिटी है वो KTM की तो अच्छी है, बट अगर हम यहाँ पर पावर की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर R15 एक बेटर डील होने वाली है। आपको कौन सी बाइक बेटर लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। यहाँ पर RC 125 की मैं आपको प्राइस एक बार दोबारा बताता हूँ, 213,000 रुपीज़ इसका ऑन रोड प्राइस हो चुका है जयपुर की यहाँ पर बात करें। अब बात कर लेते हैं Duke 125 के बारे में। Duke 125 का यहाँ पर जो ऑन रोड प्राइस आता है लगभग 201,000 रुपये हो चुका है। यस, 201,000 रुपीज़ अब Duke 125 का ऑन रोड प्राइस है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। आप इस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारी और बाइक्स देख सकते हैं, बट आपको फिर भी अगर KTM की सबसे सस्ती बाइक चाहिए यहाँ पर इंडियन मार्केट में तो आप यहाँ Duke 125 डेफिनेटली ले सकते हैं। 201,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है। यहाँ पर Duke 200 के बारे में बात करूँ तो उसका ऑन रोड प्राइस अब हो चुका है लगभग 219,300 रुपये, 219,300 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस हो चुका है Duke 200 का। डेफिनेटली Duke 200 एक ऐसी बाइक है जो मेरे हिसाब से पैसा वसूल है। Duke 200 अभी भी मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी बाइक है यहाँ पर इंडियन मार्केट में अगर मैं बात करूँ। एंड यहाँ पर अगर Adventure 250 के बारे में बात करें तो Adventure 250 का ऑन रोड प्राइस हो चुका है अब लगभग 288,000 रुपीज़। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें Adventure 390 के बारे में तो इसका ऑन रोड प्राइस हो चुका है लगभग 410,000 रुपीज़, 410,000 रुपये।
सो गाइस कुछ इस प्रकार का प्राइस पॉइंट अब हो चुका है यहाँ पर KTM की सारी बाइक्स की। अगर मैं बात करूँ डेफिनेटली प्राइस बढ़ा है, ओवर प्राइस हो चुकी हैं कुछ बाइक्स, बट इस प्राइस पॉइंट में अगर मैं बात करूँ कौन सी बाइक्स अभी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है लेना, तो मेरे हिसाब से वो है ड्यूक 200 एंड सेकेंड वन है ड्यूक 390। ये दो बाइक्स ऐसी हैं जो आप डेफिनेटली अभी भी खरीद सकते हैं। अगर आपको लेनी है, पैसा वसूल के बारे में बात करूँ, तो मुझे अभी भी ये दोनों बाइक्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है। आपको कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है, आपकी फेवरेट KTM की बाइक यहाँ पर कौन सी है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आपको वीडियोज़ ऑन किन बाइक्स पर चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल अभी इसका सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिख क्या होगा throttle_98 इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर मेकिंग पावर डे। सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ। बाय बाय।